लालू जी मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू जी से बात ही करना बेकार है ना। लालू जी हैं कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, आज चित्रगुप्त पूजा है, चित्रगुप्त महाराज का आज पूजा किया गया है। यहाँ पर चित्रगुप्त गर्दनी बाग ठकुरबारी में चित्रगुप्त पूजा के बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुँचे। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से सम्राट चौधरी पहुँचे हैं, बैठे हुए हैं। वो पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, उसके बाद चित्रगुप्त भगवान का वो आरती भी करते हैं। तमाम वो आप वीडियो देखें कि किस तरह से सम्राट चौधरी यहाँ पहुँचे हैं। इनके थोड़ी ही देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से सम्राट चौधरी तमाम अपने काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ भंडारा का भी आयोजन किया गया है, चित्रगुप्त महाराज का पूजा किया गया, उसके बाद भंडारा भी किया गया है। आप देख सकते हैं वो वीडियो, आप देखिए कि किस तरह से भंडारे का आयोजन किया गया। सम्राट चौधरी का जब सम्राट चौधरी पूजा करके निकलते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो मीडिया को सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव अपराधी किस्म के इंसान हैं। लालू यादव अपराधी किस्म के इंसान हैं। लालू यादव एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो क्या नित्यानंद राय को बोल सकते हैं? नित्यानंद राय एक बड़े नेता हैं यदुवंशियों के। सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 21,000 यदुवंशी भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे लालू यादव तिलमिला गए हैं, वो एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। वो क्या बोल सकते हैं? पहले आप सम्राट चौधरी की बाइट को सुने, वो वीडियो देखें कि किस तरह से सम्राट चौधरी लालू यादव पर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। देखिए, लालू जी मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू जी से बात ही करना बेकार है ना। लालू जी हैं कौन? लालू जी मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? लालू जी को नीतीश कुमार जी ने जेल में बंद करवा दिया, सजा करवा दिया, उनके पार्टी के लोगों ने सजा करवा दिया, और राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर उनको परमानेंट समाप्त कर दिया। इसलिए कोई भी प्रश्न यदि आदरणीय लालू जी का है तो उनको आदरणीय नीतीश बाबू से पूछना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि मेरे जीवन का राजनीति समाप्त करने वाला कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड है। लालू जी कोई पॉलिटिकल वर्कर रहे ही नहीं। क्या एक पंजीकृत अपराधी इस देश की राजनीति को तय कर सकता है क्या? देखिए स्पष्ट तौर पर लालू जी का प्रतीक क्या है? गुंडा राज, आतंक राज, यही है लालू जी का परिचय। आपने वो वीडियो सुना जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं चित्रगुप्त भगवान का पूजा करने के लिए आया, बिहार वासियों को और प्रदेश वासियों के लिए और पूरे देश के लिए समृद्धि का, विकास का नाम मांगा, और नीतीश कुमार की बातों पर क्या आपने नीतीश कुमार के लिए क्या मांगा? तो नीतीश कुमार के लिए उनकी सुख, और जो जिस तरह से वो नीतीश कुमार आए दिनों बयान दे रहे हैं, अपने बयानों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कामना को लेकर उनसे मांगा है। और लालू यादव पर खड़ा सवाल उन्होंने सीधा कहा है कि वो एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। वो क्या बोलेंगे? मुखिया का चुनाव भी वो नहीं जीत सकते हैं। आप इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।